अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कॉस ए बताइए कितना होगा और टेन ए कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं स्टार्ट। साइन ए है, ओके, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन ए इक्वल टू होता क्या है। तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है 3/4, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ और यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया हुआ है 4। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बनाते हैं इसका रफ फिगर। मान लेते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल है एक एबीसी, क्या है एबीसी, और हमने क्या किया एंगल बी को हमने बना दिया राइट एंगल, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं एंगल ए, हेड हमारा ये है, एंगल ए हमारा ये हेड है, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हुआ, क्योंकि ये कहता है कि अपने सामने किसको रखेंगे परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे पी कितना है 3 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। हाइपोटेनियस तो इसका 4, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि हमारा कितना हो गया 4। दो चीज़ गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, बेस निकालना है उसके हिसाब से। इसका इसको निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, एक चीज और लिख देंगे वो हमारे लिए और बेटर होगा, क्या लिख देंगे, इन अ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या है एबीसी है, ए बी सी। अब लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है? तो यहाँ पे इतना चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे हमारा ये किया गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब हमारा दिया हुआ है AC, AC कितना दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद परपेंडिकुलर यानी कि P कितना दिया है 3 दिया हुआ है, इसके हिसाब से 3 दिया हुआ है, यानी कि क्या होगा 3 का स्क्वायर। और B का स्क्वायर यानी कि हमारा यहाँ पे बेस नहीं दिया है, तो लिख देंगे ए बी, लिख देंगे क्या हमारा क्या है ए बी हो गया, तो ए बी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर इसको रहने देंगे वैसे ही, ओके। अब क्या करेंगे, ये 16 है, ये प्लस 9 है, इसको लाएंगे इक्वल टू किस तरह, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, ये हो गया ए बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो 16 माइनस 9 कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, ये हो गया ए बी का स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, ठीक कर देंगे अच्छे से कि ए बी का स्क्वायर कर देंगे इस तरफ, 7 कर देंगे उस तरफ, क्या करेंगे ए बी का स्क्वायर आ गया इस तरफ और 7 आ गया उस तरफ। आपको मैंने बताया था कि क्या होगा, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा इस पर क्या आएगा रूट आएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 7, क्लियर है? यानी कि ए बी कितना आ गया रूट 7। तो अब क्या पूछ रहा है, कॉस ए बताइए कितना होगा, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, ओके। तो अब यहाँ पे कॉस ए है यानी कि हेड ये हो गया, तो जब हेड करता है अपने सामने किसको किसको रखता है परपेंडिकुलर को, तो ये हो गया हमारा बेस यानी कि रूट 7 हो गया हमारा बेस और हाइपोटेनस हो गया 4 हो गया। फिर क्या है टैन ए, टैन ए लिखेंगे, टैन ए है तो क्या करेंगे टैन ए, तो ए हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस यानी क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई, इसका तो बेस होता ही है, तो ये हमारा हो गया 3 और ये हो गया हमारा रूट 7 और हमारा क्वेश्चन भी बन गया, ओके। बहुत ही क्वेश्चन इजी था। अब क्या करना है, अब जो हम क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं उसको बस करना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन समझ में भी आएगा और बहुत दिनों तक आपको याद भी रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का था। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।